भैया जो हम लोगों को गिफ्ट मिला है वो काफी ज्यादा सच में कुछ ज्यादा ही बेहतरीन बेहतरीन। पनीर बहुत अच्छी थी, ये पनीर कौन सी? तो ये स्टोरी है विंटेज की। यहाँ खाना ही नहीं, दिल खुश कर देने वाली मेहमान नवाजी होती है। इस वीडियो में सबका रिव्यू अपने अपने अकॉर्डिंग है, मगर मेरे मुताबिक आपको यहाँ आने के बाद ही एहसास होगा कि सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी अलग है, क्योंकि सबका स्वाद अलग होता है। वेलकम बैक टू चैनल, और हम हैं इस समय विंटेज में। और विंटेज का सीन ये है कि अभी हम यहाँ पे जो क्राउडनेस है उसके पीछे का रीज़न यही है। यार दो मिनट सवर कर लो पहले, मैं सुना ही नहीं। मैं सॉरी सॉरी चिल्ला रहा था, तो मैं काट दूंगा, एडिटर हूँ। बिल्कुल तो गाइज इस समय हम लोग बैठे हैं विंटेज में, और विंटेज का जो सीन ये है कि यहाँ पे जो क्राउडनेस आप सुन रहे हैं उसके पीछे का रीज़न यही है कि आज हमने मतलब सबने मीट एंड ग्रीट रखा है। इंस्टाग्राम के पेज हैं, अभी हम आपको सबको मेंशन करते हुए जाएंगे, तो आप सबको फॉलो करना, प्लीज़ फॉलो करना। और जो यूट्यूब पे हैं उनको प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, मुझे आवाज़ ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, और खाने का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो भाई लाजमी है कि आपको यहाँ आना चाहिए और एक बार स्वाद चखना चाहिए। शाही पनीर, ये मटर मशरूम, ये वेज बिरयानी, ये एग बिरयानी, ये चिकन बिरयानी, वो मटन बिरयानी, ग्रीन सैलड, ये बिरयानी के एक कंपनीमेंट। ओके थैंक यू वेज, थैंक यू सो मच। तो भैया इस समय नॉन वेज और वेज का चक्कर चल रहा है, मगर सीन ये है कि इधर हमने पार्टीशन बना दिया, इधर नॉन वेज वाले, इधर वेज वाले। अभी देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनता है, आपको बता दें। नॉन वेज वर्सेज वेज की जीत होती है कि नहीं होती है? भैया खाना चल रहा है? सब बिजी हैं, और मैं अभी सबसे राय लूंगा कि सबको कैसा कैसा लगा। हेलो जी, तो इस समय हम लोग खाना खा चुके हैं, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, अभी सारे दोस्त खाना खा रहे हैं। और यहाँ का सीन ये है कि मेरे को मशरूम यहाँ का अच्छा लगा, और मशरूम के साथ साथ पनीर भी अच्छी थी। जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, जैसे आप बाहर देख सकते हैं, बाहर भी काफ़ी अच्छा सीन हुआ है इस समय। आपका फूड रिव्यू आपको देंगे कि यहाँ का फूड रिव्यू कैसा है। तो चलिए भाई, अपने अपने जितने फूड ब्लॉगर्स हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि कैसा कैसा खाना है, ठीक है? प्लस उनके साथ साथ इंस्टाग्राम पेज आपको मिलता रहेगा, लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ फॉलो करते हुए जाना, ठीक है? रियली अच्छा था खाना, मुझे
काली मिर्च चिकन बहुत टेस्टी लगा। अच्छा। एंड और मशरूम भी अच्छा था, लेकिन खाना बहुत अच्छा था लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी। ओके। 15 लोगों के हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम थी, दो लोगों को ध्यान देना चाहिए था। ओके। और व्हाट अबाउट द स्टार्टर? स्टार्टर वाज नॉट गुड, चिकन वाज नॉट गुड, और मंचूरियन वाज ओके, एंड चिकन वाज रियली नॉट, चिकन लॉलीपॉप वाज ओके फॉर मी। थैंक यू सो मच। मेरा है यमी टमी लवर, मेरा है फूड फूड। तो गाइस प्लीज फॉलो एंड ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू देयर चैनल। फूड सही था बट स्नैक में थोड़ा इनको इम्प्रूव करना चाहिए कुछ चीज़ों को। क्वांटिटी कम लगी मेरे को, तो क्वांटिटी कम लगी बट सही है जो चीज़ें टेस्ट मेरे हिसाब से। जो काली में चिकन था वो टेंडर था चिकन, और चिकन करी भी उसकी भी टेंडरनेस बहुत ओके थी। बट जो हमें स्टार्टर्स मिले थे प्रोवाइड हुए थे, जो चिकन लॉलीपॉप और जो तंदूरी चिकन था, दोनों बहुत थोड़ा हार्ड थे। मंचूरियन और तंदूरी आलू थी वो दोनों बेस्ट थी। एक तड़का दाल थी वो भी मुझे बहुत पसंद है। स्पून ऑफ अंगर प्रयाग चटोरे, यहाँ पर आ जाए तो आप चिकन अगर कहेंगे, चिकन यहाँ बहुत अच्छे लगे मुझे। जैसे हम लोग स्टार्टर में चिकन लॉलीपॉप दिए थे वो ठीक था, पर वो थोड़ा टाइट था। बाकी आप मेन कोर्स कहेंगे, मेन कोर्स में बहुत बेस्ट है। अच्छा। चिकन काली मिर्च अभी हम लोग खाए, ग्रेवी साथ बहुत अच्छा लगा, और करी खाया चिकन करी बेस्ट था, एकदम सॉफ्ट था, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। और वेज में आया जाए तो पनीर बहुत अच्छी थी। ये पनीर कौन सी? शाही पनीर बहुत अच्छी थी। मशरूम एवरेज लगा, शाही पनीर ज़्यादा अच्छी लगी। और स्टार्टर कैसा था? स्टार्टर में वेज हमको ठीक लगा, बाकी हम जो चिकन लॉलीपॉप थे थोड़ा ठीक था, एवरेज था, थोड़ा टाइम था। वी आर फ्रॉम फूड प्लान, शी इज़ परेदी एंड आई एम शोभित। अभी बताएंगे आपको यहाँ का जेन्युइन एकदम रियल कैसा रिव्यू है, तो बताओ जय कैसा है यहाँ, तुम्हें कैसा लगा भैया? भाई देखो, ओवरऑल अगर मैं कहा जाए कि जैसे कि कई लोगों ने कहा कि क्वांटिटी कम है और बाकी चीज़ें जो भी है, तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से यहाँ की प्राइसिंग है, तो जैसे कि 180 रुपीज़ से आपका पनीर की डिशेज स्टार्ट हैं, 170 रुपीज़ से, और जो हम लोग ने शाही पनीर खाई थी वो 180 रुपीज़ या 175 की है। तो उस रेट के अकॉर्डिंग जो इनका चीज़ें हैं वो बहुत बेस्ट हैं। और दूसरी चीज़, मेन कोर्स के लिए फेमस है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो यहाँ का स्प्रिंग रोल है वो बेस्ट है, मतलब इलाहाबाद का वन ऑफ द बेस्ट स्प्रिंग रोल आपको अगर कहीं मिलेगा तो आपको विंटेज किचन में मिलेगा। तो बस बाकी जेन्युइन रिव्यू यही है कि बढ़िया चीज़ें, आप आइए। ओवरऑल फूड अच्छा था, मशरूम वेज पनीर, और हम लोग वेज का बता सकते हैं क्योंकि हम दोनों प्रॉपर वेजिटेरियन हैं। तो आप लोग विजिट करिए विंटेज किचन, बहुत मज़ा आएगा, प्राइसिंग भी सही है। तो भाई तुम्हारा इंस्टाग्राम क्या पेज है? रेस्टोरेंट इंडिया। तो हम आगाह करते हैं कि हमारी सेना दुश्मन की एक एक घर को तबाह करके आएगी। अरे 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 अरे, अरे भैया, बर्बाद नहीं करने को बोला था। तो गाइस मैं वेंटेज किचन में, अबे आ जाओ तुम, मिलोगे यार, थोड़ा सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, सब पैसे देते हैं, अच्छा पेट, सब पेट प्रमोशन है। तो गाइस इस समय जोक सपाट, अभी हम लोग वेंटेज किचन का फाइनल, मतलब खा पी के एकदम पेट पूजा हो चुकी है, अभी निकलने वाले हैं, शाम हो चुकी है, गोल्डन आवर। एक एज अ फोटोग्राफर के लिए गोल्डन आवर कितना बेस्ट है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक बार आके चेक कर लेना, कई लोगों का रिव्यू यहाँ ख़राब है और तो कई लोगों का अच्छा है। तो वेज के लिए बेस्ट है, वेज के लिए बेस्ट है, और नॉन वेज के लिए थोड़ा सा कम अच्छा है। तो गाइस इस समय बेस्ट पार्ट ये है कि आज हम भैया हम लोगों को गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट में क्या है, मतलब एक छोटा सा तोहफा समझ लीजिए आप। तो अभी हम लोगों को मिलेगा वो चीज़, हम लोग अपने अपने घर लेके जाएंगे। तो ये बिहेवियर जो है ना, छोटी छोटे जो खुशियाँ हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैटर करती हैं। हेलो। तो गैस तुम लोगों के यहाँ का कैसा लगा खाना पीना?
तेज बोल दे तेज। अच्छा तो मेरी ओर देख के बोल दे या उनकी ओर देख के बोल दे? उनके तरह उसकी शक्ल देखेंगे तो हंसी आ जाएगी। अच्छा मेरी ओर देख के बोल दे। तो यहाँ का तुम लोगों को कैसा लगा? पनीर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको बोलने दीजिए। अच्छा तुम बताओ, बोलो यार।